देखो बच्चों, एरिया में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें और हम समझें कि आखिर जो हमने पढ़ा है उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करें। देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब देखो एरिया के क्वेश्चन करने के लिए हमें ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। जो ग्राफ हमने फंक्शन में पढ़े उसका आइडिया होना चाहिए, प्लस जो हमारे कोऑर्डिनेट वाले ग्राफ हैं जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनका भी हमको आइडिया होना चाहिए, है ना। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कॉनिक सेक्शन को, मेरे वीडियो देख कर रिवाइज करिए। पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन हमने पढ़ाया हुआ, 1 घंटा मुश्किल से लगेगा, आप वीडियो से रिवाइज कर लीजिए पहले, ठीक है। देखो ध्यान, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 और ए ग्रेटर देन बी। मान लो हमें इलिप्स का एरिया चाहिए, है ना। देखो ये एक इलिप्स है ए ग्रेटर देन बी। देखो क्या होता है, इसमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे करके ये देखो इलिप्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान रखो, ठीक है। जिसमें ये वाला डिस्टेंस ए होता है, ये भी ए होता है, ये बी होता है ना। इसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, है ना। ये डिस्टेंस ए होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये बी होता है, ध्यान। अब देखो हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए, है ना, हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए। तो क्या होगा, जैसे अगर हम ये एरिया निकाल लें और उसका 4 टाइम्स कर दें तो हमें इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। अब देखो हम इसका एरिया कैसे निकालें। देखो ये एरिया है फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो क्या करना होगा, देखो हमें जैसे यहां पर क्या है, एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0, और यहां पर क्या है, एक्स बराबर ए है। तो हमें देखो 0 से लेकर a तक y को इंटीग्रेट करना होगा, है ना। हमें एरिया चाहिए था पूरे इलिप्स का, लेकिन हम सबसे पहले इस पार्ट के एरिया को निकालना चाहेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे, चारों एरिया बराबर है ना। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो 0 से लेकर a तक, आप देखो ये फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, तो 0 से लेकर a तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो यहां से क्या हुआ, देखो यहां से हम कह सकते हैं y निकालो, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना। देखो यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। देखो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y की वैल्यू हो गई बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइन एस स्क्वायर। देखो हालांकि यहाँ प्लस माइनस आएगा, है ना, लेकिन अब ये फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आप y की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, ऐसे। देखो तो देखो ये y की वैल्यू रखेंगे तो 0 to a, दो क्या हुआ, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखो ये हुआ बी बाई ए इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो गया। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन। देखो ये एक लंबा फार्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, देखो इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखो ये से होता है ना, 1/2 एक्स को इसी से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन दिस का फॉर्मूला तो साइन वर्स एक्स बाई ए। देखो यहां पर हो गया क्या, बी बाई ए, है ना। देखो ये हो गया एक्स को इसी से मल्टीप्लाई करके लिख दो प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स बाई ए और 0 to a, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहां पर बी बाई ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, सॉरी एक्स की जगह पहले ही रखो तो ये 0 हो जाएगा,
x की जगह पहले अपर लिमिट रखोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस x की जगह a रखोगे तो a स्क्वायर साइन वर्स वन, साइन वर्स वन क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई टू, माइनस फिर x को रखोगे जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, और प्लस x को रखोगे जीरो तो ये भी हो जाएगा जीरो, है ना। दो क्या बचा, ये बच गया b बाई a, बात समझ आ गई ना। देखो पहले x को a रखा तो ये a, और यहाँ a रखोगे तो जीरो, प्लस a स्क्वायर ये हो जाएगा साइन वर्स वन, साइन वर्स वन क्या होता है पाई बाई टू, है ना। पहले x को a रखा दोनों में तो ये आया, माइनस अब x को रखो जीरो तो जीरो पुट करोगे ये जीरो ये भी जीरो, ठीक है। देखो ये बी वाई है, और देखो ये हो गया ए स्क्वायर पाई बाई टू, ए से कैंसिल क्या हो गया बोलो, बी ए पाई बाई टू, है ना, बोलो ए से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान दो क्या होगा कि इससे हमें देखो एक सेकेंड, 1 by 2 देखो यहाँ पर और ही है, ये 1 by 2 छूट गया तो ये 1 by 2 बाहर निकल गया, देखो b by 2a और देखो b by 2a तो pi a b by 4, ठीक है, एक पार्ट का एरिया आया ही है ना। देखो कंप्लीट एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया हो जाएगा इसी का 4 times a, तो 4 इंटू पाई ए बी बाई 4 ये कैंसिल हो गया, तो देखो आंसर क्या आ गया पाई ए बी, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो वैसे भी ये बात याद कर लो कि एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, है ना। देखो इसको हमने प्रूफ कर दिया कि एलिप्स का एरिया पाई ए बी आकर कैसे होता है ना, जितने एरियाज हैं वो हम यहाँ पर इस मेथड से निकाल सकते हैं ना। एलिप्स का एरिया कितना हो गया बोलो पाई ए बी, है ना। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज यहाँ पर हर जगह होगा, ठीक है, लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको।